वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी जेरोक्स मशीन को देखा होगा और इसे इस्तेमाल भी किया होगा, या फिर आपने शायद इसे किसी दुकान में देखा होगा जहाँ पे जेरोक्स होती हो। यह मशीन आपको हर प्राइवेट कंपनी से लेकर गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस जैसी कई जगह पर दिख जाएगी। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि आखिर जेरोक्स मशीन का आविष्कार किसने किया था और कब किया था? तो चलिए जानते हैं जेरोक्स मशीन के इन्वेंशन के बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टे। मशीन ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट या इमेज की फोटोकॉपी बनाता है। ये एक इलेक्ट्रिकल चार्जेड फोटोकॉपी कंडक्टिव इंसुलेटिंग सरफेस पर लाइट के एक्शन के द्वारा ग्राफिक मटेरियल की कॉपी बनाता है। हम में से ज्यादातर लोग जेरोक्स मशीन को फोटोकॉपी मशीन के तौर पर ही जानते हैं। इस मशीन में एक तरह का ब्लैक पाउडर होता है जिसके इस्तेमाल करके जेरोक्स मशीन दूसरे कागज पर डॉक्यूमेंट या इमेज को सेम टू सेम उतार देता है। ये इतनी तेजी से काम करता है कि कुछ ही सेकंड में आपको एक ही डॉक्यूमेंट की कई फोटोकॉपी दे देता है। यही एक रीजन है कि आज जेरोक्स मशीन लगभग हर उस जगह पर इस्तेमाल की जाती है जहां पर डॉक्यूमेंट की कॉपी बताने की जरूरत पड़ती है। बातें हैं मेन पॉइंट पे कि आखिर इतनी फास्ट कॉपी बनाने वाले इस जेरोक्स मशीन का आविष्कार किया किसने। जेरोक्स मशीन का इन्वेंट चेस्टर कार्लसन ने 22 अक्टूबर 1938 में किया था, जो कि एक पार्ट टाइम रिसर्चर और इन्वेंटर थे। चेस्टर कार्लसन ने ही सबसे पहले जेरोक्स मशीन का एक्सपेरिमेंट किया था 1938 में, वो भी एक किचन में, लेकिन इसका कमर्शियल यूज 1959 में हुआ था। 1938 से पहले लोगों ने कभी भी एक इलेक्ट्रॉनिक फोटोकॉपी मशीन नहीं देखी थी। इससे पहले ज्यादातर लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी बनाने के लिए कार्बन पेपर जैसी चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। चार्ल्स कार्लसन ने जब अपने इस इन्वेंशन में उस समय की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को ये ऑफर दिया कि उनके इस रिसर्च में वो इन्वेस्ट करे, तब उस समय की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे IBM, कोडक, जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों ने इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। बाद में आगे जाकर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था बेटल मेमोरियल इंस्टीट्यूट, जो अमेरिका में कोलंबस ओहियो में लोकेटेड है, उन्होंने कार्ल्स के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया करना एक्सेप्ट किया। इसके बाद बेटल मेमोरियल इंस्टीट्यूट ने कार्ल्स के इस इलेक्ट्रो फोटोग्राफी मशीन में कई तरह की इम्प्रूवमेंट किए। फिर आगे चलकर इसे एक हेलोइड कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी में तब्दील कर दिया। इसके अलावा हेलोइड कॉरपोरेशन ने मशीन का लाइसेंस भी लिया और इसी के तहत मशीन को डेवलप करने और उसकी मार्केटिंग करने का पूरा अधिकार अपने पास ले लिया। शुरुआत में जेरोक्स मशीन का नाम इलेक्ट्रो फोटोग्राफी था, लेकिन यह नाम थोड़ा अटपटा और कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए इसका नाम बदल कर जेरोक्स कर दिया गया, जिसका ग्रीक भाषा में मतलब होता है ड्राई राइटिंग। जिसके बाद हेलोइड कॉरपोरेशन को नाम को बदल कर हेलोइड जेरोक्स कर दिया गया 1958 में। बाद में 1961 में हेलोइड जेरोक्स का नाम फिर एक बार बदल कर इसका नाम जेरोक्स कॉरपोरेशन कर दिया गया। जेरोक्स मशीन के इन्वेंट के इतने सालों बाद आज दुनिया में दो प्रकार के जेरोक्स मशीन अवेलेबल है, एक है एनालॉग जेरोक्स मशीन और दूसरा है डिजिटल जेरोक्स मशीन। डिजिटल जेरोक्स मशीन में आप किसी भी कॉपी को साइज उसकी छोटी या बड़ी कर सकते हो या उसको एडिट कर सकते हो, जबकि एनालॉग जेरोक्स मशीन काफी पुराने टाइप का है। जेरोक्स मशीन के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले यदि आपने अभी तक होमस्टेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जेरोक्स मशीन का पहला फैक्ट ये है कि मॉडर्न फोटोकॉपी प्रिंटर में ऐसा इनबिल्ट फीचर होता है कि अगर आप किसी करेंसी को प्रिंट करने के लिए रखते हो तो वो करेंसी का पैटर्न ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और सारी फोटोकॉपी को ऑटोमेटिकली अनयूजेबल कर देता है, जिससे कि कोई करेंसी की फेक नोट ना बनाई जा सके। जेरोक्स मशीन का दूसरा फैक्ट ये है कि कुछ लेजर प्रिंटर कंप्यूटर मॉनिटर और कंप्यूटर से भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। एक चालू कंप्यूटर और मॉनिटर 100 से 300 वोट के आसपास यूज करता है, जबकि एक प्रिंटर जब लेजर प्रिंट कर रहा होता है तब वो 700 वोट तक इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। तीसरा फैक्ट ये है कि दुनिया का फास्टेस्ट फोटोकॉपी है रिसो ऑर्फिस एक्स 9050 है। यह मशीन आपको पर मिनट 150 कॉपी निकाल के दे सकता है। चौथा और आखिरी फैक्ट ये है कि इन्वेंटर चेस्टर कार्लसन ने 22 अक्टूबर 1938 को दुनिया की पहली कॉपी बनाने के लिए रुमाल
हल्के और रुखे पाउडर को मैन्युफैक्चर की गई स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रिक को उपयोग किया था। तो बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि होमस्टेड के आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बनें।